नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चाय की चर्चा की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। बुधवार का दिन है और वैसे तो देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, बट जो मेरा अंदाज़ा है कोई ज़्यादा बड़ा मूव मार्केट में शायद ना आए, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। हालांकि फिर भी लेवल्स हैं और मार्केट कब ऊपर नीचे हो जाए वो मार्केट ही जानता है भाई। US मार्केट बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ, देख सकते हैं आप 300 आ गया वहीं पे जहाँ पे दो दिन पहले था, जब फेड की जो कमेंट्री थी कि हम रेट राइज करेंगे उसकी वजह से 33,800 तक गया था। दो दिन बाद उसके बाद वहीं इधर मार्केट क्या है जितनी मर्जी नेगेटिव न्यूज़ हो वो एक दो दिन की छुटपुट गिरावट के साथ दोबारा वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। ये पिछले एक साल से चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा कोई भी आपको बड़ा रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मार्केट बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो होता रहे वो होता रहे। कंट्रीज आप देख सकते हैं, UK, जर्मनी खोखली हो गई है, रिसेशन टाइप इनमें चीज़ें चल रही हैं और वर्ल्ड मार्केट में दरअसल यही हाल है। ऊपर टॉप की तरफ खड़े हुए हैं, हल्का सा करेक्शन देते हैं और अपना फिर दोबारा आके टॉप पे ही खड़े हो जाते हैं, बाइंग आ जाती है, दोबारा टॉप पे खड़े हो जाते हैं। न्यूज़ बिल्कुल नलीफाई है, ज़्यादा कुछ कोई किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है मार्केट के ऊपर, तो स्पेशली बिल्कुल भी किसी भी टाइप से पड़ नहीं रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हर बड़े अर्थशास्त्री, हर बड़े स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करने वाले ने, चाहे वो माइकल बरी हो, चाहे वो कुछ कोई और भी है, ये रॉबर्ट कियोस्की हो, इन सब ने बोला है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, ठीक है। और अपने मार्केट के पास तो एक अंदरूनी शक्ति है गैप अप होने की, 80-90 पॉइंट तो मतलब गैप अप उसके लिए ऐसा है जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी और जाके ऊपर एकदम से खड़ा हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा, इस प्रकार से गैप अप होता है। तो अगर यहाँ तो आजकल दिखता ही नहीं है, इधर दिखता है आजकल, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 19,544, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ पता नहीं भाई, हो सकता है 19,500 के ऊपर ही खुले, ठीक है, हो सकता है 19,467 खुले। देखिए मूव मार्केट में तभी आएगा जब 19,525 क्रॉस होगा बाई साइड, ठीक है, बाई साइड। एक तो ये ट्रेड आप ले सकते हैं अगर 19,525 क्रॉस होता है निफ्टी में, ठीक है। दूसरा ट्रेड आप ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीन पे निफ्टी 19,415.20 इसके आसपास दिखता है, 19,415.20 इसके आसपास दिखता है तो 19,400 का SL लगा के आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं दो तरीके से बाई करने की सलाह दे रहा हूँ, लेवल्स को नोट करिए। या तो 525 क्रॉस हो तो आप 19,500 का SL लगा के बाई करिए, या आपको निफ्टी 19,415.420 इसके आसपास मिलता है तो 19,400 का SL लगा के फिर बाई करिए, ठीक है। सेल कब करना है? सेल आप कर सकते हैं अगर आपको 19,400 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है तो, ठीक है, फिर आप 19,435 का SL लगा के नीचे के लिए 19,350 के लिए आप सेल कर सकते हैं। 350-40 और 300 ये दो टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं, पर विक्स इतना लो है आप कुछ भी कॉल पुट कहाँ से भी बाय करेंगे उसको बुक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे। और बी लाइट इन योर पोजीशन, पैसे को हल्का रख के ट्रेड कीजिए, यही पॉलिसी हम अपना रहे, ठीक है। जब विक्स बढ़ेगा, ठीक है, अंदाज़ा लगाना नहीं है फालतू का कि अब विक्स बढ़ जाएगा आज से, जब बढ़ेगा वॉलीटिलिटी इंक्रीज होगी तो मतलब सिंपल सी बात है वो तभी होगी जब मूव आएगा मार्केट में, तभी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अदरवाइज़ ये 19,300 से लेके 19,500 के बीच में क्या पता 10 दिन निकाल ले, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को लाइट रखिए और उस उतने ही लॉट में ट्रेड करिए, ठीक है, जितना आप हजम कर सकें, और बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट लेके ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है।
दो चीज़ पे आप स्टॉक पे नज़र रखेंगे तो मुझे बंधन बैंक सेल करने के लिए अच्छा लगता है, IDFC बैंक बाई करने के लिए अच्छा लगता है। तो एक को बाई कर लीजिए, एक को सेल कर लीजिए। मार्केट गिरेगा तो बंधन बैंक सबसे ज़्यादा ठुकना चाहिए, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो IDFC बैंक सबसे ज़्यादा तेज़ी करना चाहिए। ये आप दो स्टॉक्स अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर रहेगा तो आप 150-200 पॉइंट के लिए बाय कर लीजिए, बट फिर एग्जिट कर लीजिए। जैसे वो चैनल मैंने ऊपर से दिखाया था, वो चैनल ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, टाइम के हिसाब से लेवल्स उसमें अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। स्टॉक्स यही हैं, IDFC बैंक और क्या कहते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक सेल साइड, IDFC बैंक बाई साइड, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।